नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे जेई, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 30 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं रेलवे कैटेगरी के अंदर रेलवे के सारे एग्जाम्स, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई, इन सभी की तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो रेफरल कोड है आपका तारिक सरोवर 5, इससे आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं विद 10% के डिस्काउंट के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि भैया आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लगभग बच्चों ने जो आपका आंसर दिया कि आयोडीन की कमी से गहंगा रोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि ऐसा रंजक जो मनुष्य को रंगत प्रदान करता है वह कौन सा है, मेलानिन, रेडोप्सिन, ऑडोप्सिन या एंथोसाइनिन। तो जल्दी से बता दीजिए कि ऐसा कौन सा रंजक है जो मनुष्य को रंगत प्रदान करता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका ऐसा रंजक जो मनुष्य को रंगत प्रदान करता है, मेलानिन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि स्तनपायियों में ग्राही तथा स्वेद ग्रंथि स्थित संबंधित हैं, अतिरिक्त रबड़ों के निवारण से, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के निष्कासन से, या ताप संतुलन से, या लैंगिक आकर्षण से। तो जल्दी से बता दीजिए कि एक्चुअल में इसका सही आंसर क्या है। तो स्तनपायियों में ग्राही या स्वेद ग्रंथियां जो हैं ये ताप संतुलन से संबंधित हैं। किससे दोस्तों, ताप संतुलन से, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, अवग्रह वृहदात्र किसका भाग है, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, अग्नाशय का या अमाशय का। तो अवग्रह बृहदात्र जो है वो किसका भाग है, ये जो है वो बड़ी आंत का भाग है। किसका दोस्तों, बड़ी आंत का, यानी कि चौथा दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तिल्ली, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या पिट्रियूटरी। तो जल्दी से बता दीजिए मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मानव शरीर के सबसे छोटे अंग की, एक्चुअल में मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका पीनियल ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, पीनियल ग्रंथि जो है वो मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आँखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है, नेत्र पटल में, आँख की पुतली में, रोड कोशिका में या कोण कोशिका में। तो जल्दी से बता दीजिए, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपकी आंख की पुतली में। किसमें दोस्तों, आंख की पुतली में, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि रक्तदाब नियंत्रण हेतु तो कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायमस ग्रंथि या कार्पस लूटियम ग्रंथि। रक्तदाब नियंत्रण हेतु तो कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो आपकी जो सही आंसर है वो है आपका अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रक्तदाब नियंत्रण में तो कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है आपको कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, वसा को तोड़ना, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन को तोड़ना या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। तो जल्दी से बता दीजिए कि ट्रिप्सिन का एक्चुअल में कार्य क्या है। तो ट्रिप्सिन का जो आपका कार्य है वो है आपका प्रोटीन को तोड़ना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है दोस्तों, प्रोटीन को तोड़ना, ये आपका ट्रिप्सिन का मुख्य कार्य है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपको शायद ही है किसी चैनल पे देखने को मिले। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है क्यों, क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, या लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, या सूर्य पर्वतों से निकलता है, या लाल को छोड़कर अभी अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो जल्दी से बता दिए कि भैया एक्चुअल में सही आंसर क्या है। तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाल को छोड़कर सभी रंग जो है वो अन्य सभी रंग
प्रक्रियित हो जाते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला, गहरा नीला, या गहरा लाल, या सफ़ेद, या काला। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी में वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई पड़ता है, वह दिखाई पड़ता है आपका काला, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें सबसे कम विचलित होता है, पीला, हरा, बैंगनी, या लाल। तो जल्दी से बता दीजिए। तो वह आपका लाल, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, परावर्तन, अपवर्तन, संचरण, या फिर किरण। तो जल्दी से बता दीजिए कि श्वेत प्रकाश के घटकों में जो आपका विभाजन है वो किसके कारण होता है। तो श्वेत प्रकाश के घटकों में जो विभाजन है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है आपका कि लेंस किससे बनता है, पायरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से, या कोबाल्ट कांच से। तो जल्दी से बता दीजिए कि एक्चुअल में जो लेंस है वो किससे बनता है, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, या कोबाल्ट कांच। तो लेंस जो है ये साधारण कांच से बनता है। किससे दोस्तों, साधारण कांच से, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है कितना, 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम, या अनंत। तो ये हमको बताना है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, दीर्घ दृष्टि वाले के लिए निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कि वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, अवतल या लेंस या दर्पण, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण यानी कि मिरर लगा होता है गाड़ियों में वो उत्तल दर्पण होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कैरोना वायरस मानव को मारता है, ये हमसे पूछा गया है, SACS, FAIDS, सॉर्स, या हिट। बता दो आपका सही आंसर क्या है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका सॉर्स, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण, अवतल, समतल दर्पण, या परवलयाकार दर्पण। जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका अवतल दर्पण, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोटर कारों में हेडलाइटों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट की बात हो रही, ध्यान रखना, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या परवलयाकार दर्पण। तो मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण की प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका अवतल दर्पण, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधिशोषी, या आभासी और अधिशोषी। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। तो अगर हम बात करें कि अवतल लेंस किस प्रकार का लेंस वो बनाता है इमेज यानी कि प्रतिबिंब, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वास्तविक और अधिशोषी, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है, सॉरी, जो इमेज बनाएगा ये वास्तविक, आभासी और सीधा बनाएगा। वास्तविक तो कभी बना ही नहीं सकता, लेंस कभी भी वास्तविक नहीं बनाएगा, तो आभासी और सीधी बनाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन से आपका मायोपिया समरूप है किसके, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष। तो जल्दी से बता दीजिए कि मायोपिया किससे समरूप है या किससे संबंधित है।
तो आपका जो सही आंसर है, मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए, करा दिए। आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि अब आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 20 में से। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, मानव की आंख का निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके प्रयोग से? उत्तल लेंस के प्रयोग से, अवतल लेंस के प्रयोग से, सिलेंड्रिकल लेंस के प्रयोग से, या द्विफोकसी लेंस के प्रयोग से? तो सही आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।